हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक हैं। तो आज हमारा प्लान बना है, हम लोग आज एडिनबर्ग जा रहे हैं। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से इनाया के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो इनाया के लिए पैनकेक बना रही हूँ, फ्रूट पैनकेक। तो इसके लिए एक एप्पल ग्रेट करके डाल दिया मैंने, और इसमें मैं डालूँगी अभी 1 टेबल स्पून जगरी पाउडर। अगर आपका एप्पल बहुत स्वीट है तो मत डालें, नहीं तो अगर खट्टा है तो आप डाल सकते हो। अगर आप बनाना चाहते हो तो ये भी आप एक ट्राई कर सकते हो बच्चों के देने के लिए। तो मैं कभी कभी नाई के लिए बनाती हूँ, उसको बहुत पसंद आता है। और ये 1 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं हैं। तो फिर मैं इसी में डाल के दे देती हूँ उसको, ताकि उसको कुछ तो चला जाए। तो इसमें 2 टेबल स्पून भर के हम लोग आटा डालेंगे। तो फिर मैं इसमें 2 टेबल स्पून आटा डाल रही हूँ, और उसके बाद 1/2 कप मिल्क। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे, और फिर मिला के 5 मिनट छोड़ देंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया, और मेनली हम लोग तो ब्रेड खा लेंगे, बट इनाया नहीं खाती है, तो इसलिए उसके लिए मैं अभी पैनकेक बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिला के 5 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए तवा चढ़ा के और उसको थोड़ा सा घी डाल देंगे उसमें। ये देखिए ऐसा मिक्सचर रेडी हुआ है, और उसको वो तवे में फिर घी गरम करके उसमें डाल देंगे। तो बहुत दिन से प्लान हो रहा था हम लोग का एडिनबर्ग जाने का, बट अभी नहीं जा पाई थी। तो आज थोड़ा वेदर ठीक है, तो आज निकल रहे हैं हम लोग। तो फिर वही उसके लिए अभी बना रही हूँ। तो कभी आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने बच्चों के लिए इस तरह का पैनकेक देने के लिए। इजी भी रहता है और हेल्दी भी है। और ये रेडी हो गया पैनकेक। फिर हम लोग निकल गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। यहाँ से 15 मिनट लगता है हमें स्टेशन जाने के लिए। और ये स्टेशन वाले रास्ते में सारे स्ट्रीट में, मतलब ऐसे स्ट्रीट परफॉर्मर से परफॉर्म करते रहता है, तो काफ़ी चहल पहल है। एकदम बाहर निकलो तो इतना अच्छा लगता है देख के, और धूप खिला हुआ भी तो और भी है चहल पहल। और हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए, और इनाया थोड़ी उसको मूड ऑफ हो रहा है, क्योंकि उसको धूप लग रही है, काफ़ी तेज़ धूप है। और हम स्टेशन पहुँच गए, और यहाँ पर जगह जगह फ्लावर्स लगा रहता है तो अच्छा लगता है। अभी हम लोग स्टेशन के दूसरे साइड शायद निकल गए हैं, तो अभी हम लोग को जहाँ जाने के लिए एक मोनोमेंट है वहाँ देखने के लिए जाने के लिए इधर से जाना पड़ेगा। मोनोमेंट स्टेशन के एकदम जस्ट करीब में है, और अभी हम लोग ये पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये है मोनोमेंट, जो भी एडिनबर्ग आते हैं तो इसको ज़रूर देखने के लिए आते हैं। बट हम उल्टा साइड उतर गए थे, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया आने में। और ये देख के अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल माइल, और रॉयल माइल के तरफ इधर से जाते हैं। तो काफ़ी तेज़ धूप है, मेरा चेहरा लग रहा है जैसे बर्न हो रहा है, काफ़ी तेज़ धूप है। तो अभी हम लोग रॉयल माइल वाले पोर्शन में पहुंच गए, बट आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे रैली निकली हुई है, काफ़ी भीड़ है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि किधर जाना है। तो फिर अभी हम लोग साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी रेलिंग है। तो अभी हम लोग ये साइड से निकलते हुए यहाँ पे आए हैं, और अभी आगे जाके हम लोग को चर्च जाना है, तो हम लोग चर्च पहुँच गए। तो अभी ये काफ़ी मतलब फेमस चर्च है, जो भी लोग आते हैं तो यहाँ पे भी आते हैं, एंड बहुत खूबसूरत भी है देखने में चर्च। देख के अभी हम लोग जा रहे हैं एडिनबर्ग कैसल देखने के लिए। तो ये रास्ते में सारे शॉप हैं, बट चीज़ें काफ़ी महंगी है। तो फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए कैसल, और कैसल देख लिए, और फिर ये कैसल के साइड से ऐसा ही दिख रहा था व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो अभी हम लोग कैसल देख के वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे इनाया को दिखा एक फ़नी मिरर, जो कि सारे बच्चे फेसेस बना रहे हैं। ये भी एक बच्ची फेस बना के देख रही है, और इनाया भी देख रही है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, ताकि देखें कुछ खाने का कुछ मिलता है तो हम लोग पहले खाएँगे, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ने के लिए जाएँगे। तो यहाँ पे वो हम लेके आ गए हैं, ये है चिकन पकौड़ा और पिज़्ज़ा लेके आए खाने के लिए। तो इनाया पिज़्ज़ा नहीं खाती है, इसलिए उसके लिए चिकन पकौड़ा लिए हैं, और हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, और खा के फिर हम लोग तुरंत निकल जाएंगे स्टेशन के लिए।
अभी हम लोग अब स्टेशन जा रहे हैं। अभी भी काफ़ी तेज़ धूप है, 5:30 हो गया है, तब भी काफ़ी तेज़ धूप है। बट हम अभी जा रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, मतलब ट्रेन में 1-2 घंटा लग जाता है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे ग्लासगो सेंट्रल, और फिर हम यहाँ से क्रॉस हिल के लिए ट्रेन लेंगे, फिर अपना घर जाएंगे। एडिनबर्ग में तो बहुत चीज़ है देखने के लिए, बट हमारे पास फिर से टाइम नहीं है और हम नहीं देख पाए। इंशाल्लाह फिर से आएंगे, बट अब तो समर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर से आएंगे और फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।